जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से न्यू वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आप लोग के सामने। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिनका भी वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं आया है, यानी कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी पेंशन आ रहा है, बहुत सारे लोगों का पैसा आ चुका है और बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं आया है। पैसा उनका क्यों नहीं आया है, मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ उस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा, कहीं भी इसकी मत करिएगा, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे इस वीडियो में क्या बताया गया क्या नहीं। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा से पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, जो आपका रुका हुआ पैसा है और रुका ही रह जाएगा। इसकी वजह से मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो को आप लोग पूरा से पूरा देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा, मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जिनका भी पैसा रुका हुआ है, जैसे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, जो भी पेंशन रुका हुआ है, उनका पैसा क्यों रुका हुआ है और बाकी लोगों का पैसा आ चुका है, यानी कि सबका पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है और जिनका रुका है और कुछ कारण के वजह उनका पैसा रुका हुआ है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपका पैसा क्यों रुका हुआ है। तो सबसे पहले आपको ई केवाईसी करवाना है। आप लोग अपना अपना ई केवाईसी नहीं करवाए होंगे, यानी कि आपका दो ई केवाईसी होगा, यानी आपके बैंक से भी ई केवाईसी होगा और आपके सीएससी सेंटर से भी ई केवाईसी होगा। तो दोस्तों यदि आप लोग ई केवाईसी नहीं करवाए हैं तो आप अपना ई केवाईसी जल्द से जल्द करवा दें, अपने बैंक से भी और सीएससी सेंटर से भी आप लोग करवा लीजिए, जितने जल्दी हो सके अपना ई केवाईसी करवा लीजिए। करवाने के बाद आपका पैसा आ सकता है। यदि इधर आपका पैसा इस महीने में नहीं आएगा तो आपका सीधे नवंबर और दिसंबर में, यानी दीपावली के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। जो भी रुका हुआ पैसा है वो भी आएगा और जो अगला किस्त है वो भी आएगा। तो दोस्तों कितना पैसा आपका आएगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बार सरकार ने बढ़ोतरी की है। पहले आपका मिल रहा था 1500, लेकिन दोस्तों अब सीधा दूना मिलेगा आपको, यानी 3000 रुपये आपको मिलेगा, यानी 1000 रुपये मंथली आपको मिलेगा। 3 महीने का जोड़ के आता है तो मान के चलिए आपका 3000 रुपये आएगा। तो दोस्तों आप जल्द से जल्द अपना ई केवाईसी करवा लें, नहीं तो आपका पैसा रुक जाएगा, नहीं आएगा। तो मेरा कहना यही है, तो इसलिए मैं सबको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो लोग अभी तक ई केवाईसी से वंचित हैं वो लोग अपना जल्द से जल्द ई केवाईसी करवा लें, अन्यथा उनका पैसा रुक जाएगा, नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी हुआ है कि जो नाम ऐड दिखा रहा था वो हट गया है, यानी लिस्ट से नाम भी हट गया है। तो दोस्तों वो लोग अपना भी सही करवा सकते हैं, ई केवाईसी पहले करवाइए, उसके बाद उनका हो सकता है कि अपने आप जुड़ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ई केवाईसी करवाना है और करवाने के बाद आपका पैसा आ जाएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना ई केवाईसी करवा दें। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। यदि आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट हो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मैंने इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता दिया। तो चलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, मिलते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।